Allah says in the Quran in Surah An'am chapter 6 verse number 159. Anyone who makes sects, division in Islam, you have nothing to do with him. Anyone who divides the religion of Islam, it is prohibited. So if you have to be a good Muslim, you have to hold to the rope of Allah. That is the अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, कुछ मुख्तलिफ है, अनोखा वीडियो है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबाए। तो चलते हैं हमारे साथ, वीडियो जरूर देखिए। नाज़रीन इस्लाम एक साफ सुथरा दीन है, इस पे किसी किस्म की तकसीम जैसी कोई चीज नहीं। ये दीन अपने मानने वालों को इत्तेहाद और इत्तफाक की तालीम देता है, इसलिए नमाज, रोजा, हज जैसे अरकान इस्लाम में वहदानियत नजर आती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में लोगों को तफरकाबाजी, नफरत और दुश्मनी को हवा देने से मना किया और उल्फत और मोहब्बत को कायम करने का हुक्म दिया। मुसलमान होने की हैसियत से जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों में इत्तेहाद की फजा कायम रखें, वहीं उलमा की भी जिम्मेदारी है कि इत्तेहाद बनाए रखें। जो लोग दीन में तफरका फैलाते हैं या तफरकाबाजी का हिस्सा बनते हैं, ख्वाह उलमा हो या आम लोग, दोनों ही इत्तेहाद इस्लामी के दुश्मन और अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं। ऐसा ही एक सवाल एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने कहा कि मेरा सवाल है कि इस्लाम में शिया को क्यों कम अहमियत दी जाती है। मेरा एक दोस्त सुन्नी है, उसको इसके घर वालों ने शिया के घर से पानी पीने से भी मना किया है। ये भी कहा जाता है कि सदाम हुसैन ने शिया फिरके के लोगों पर केमिकल बम गिराए। शिया ने क्या गलत किया है कि वो आज तक जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? इन द इस्लामिक रिलीजन Why the Shias Muslim people are given less importance compared to other Muslims? I have also heard one of my Muslim friends that they are not even allowed to drink water from a Shia family, not even a water. Okay, means I just need to ask. Means it is also said that means in Iraq there was a Saddam Hussein has done. He has spread a chemical gas. He has done a cruelism on Shias people as compared to Hitler has done on Jewish people in the Second World War. So don't you think it's an injustice? I also need to know that. Means what exactly the Shias people has done a mistake in the Islamic religion before? Dr. Zakir Naik ne is sawal ke jawab dete hue Quran Pak uthaya aur kaha ki Islam mein koi Shia Sunni nahi hai. Quran Pak ki surah Al Imran mein hai ki Allah ki rassi ko mazbooti se thame rakho aur tafarqe mein na pado. Agar tafarqe se bach gaye to sahi musalman hain. Quran Pak ye bhi kehta hai ki jinhone apne deen ko tukde tukde kar diya aur kai jamaatein ban gaye, tera unse koi taluq nahi. Unka kaam Allah hi ke hawale hai, phir wahi unhein batlayega jo kuch wo karte the. Hadith Mubarak का है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, इनमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने मुझे और मेरे सहाबा की पैरवी की, जिन्होंने कुरान और हदीस पर अमल किया। तो इन सब हवालाजात से साफ जाहिर है कि इस्लाम में कोई तफरकाबाजी नहीं। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फिरके बनाने से मना फरमाया, मगर फिर भी कुछ लोगों ने फिरके बनाए। जो सही रास्ते पर होगा वो फिरके नहीं बनाएगा। जो भी अपने आप को मुसलमान के अलावा कुछ और कहलाता है वो मुसलमान नहीं, कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे न सुन्नी, वो मुसलमान थे। द कुरान सेज डोंट मेक सेक्स। अ प्रॉफिट सेड इवन दो द कुरान सेज देयर विल बी सम पीपल विल मेक सेक्स। हाउ मेनी? 73। द वन हु विल बी ऑन द ट्रू पार्ट इज वन हु डजंट मेक सेक्स। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कह अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फरमा बरदार होने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि फलां शख्स अच्छा मुसलमान है या नहीं, आप उसको कुरान के साथ मवाजना करके देखते हैं। इसका नाम चाहे मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला हो, कोई मसला नहीं। अगर वो कुरान पाक पर अमल कर रहा है तो ठीक है, अगर वो सही हदीस पर अमल कर रहा है तो वो मुसलमान है, अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ जाता है तो वो गलत है। सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान और हदीस पर अमल करता है, चाहे कोई खुद को शिया कहता हो, लेकिन देखें कि वो इस्लाम पर अमल करता है या नहीं। So when you come to know, let him call himself anything. If he does not follow the Quran and does not follow the authentic teaching of the Prophet,
ही इज नॉट ट्रू मुस्लिम। डॉक्टर जाकिर नायक उस लड़के के दूसरे सवाल की तरफ आए और कहा कि आपने कहा कि सद्दाम हुसैन ने शिया लोगों को मारा, मुझे नहीं पता कि सद्दाम हुसैन ने शिया को मारा या नहीं, मेरे पास कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं, मगर ये मीडिया कहता है उसने मारा। लेकिन चाहे सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो या जॉर्ज बुश हो, अगर वो किसी भी मासूम इंसान को मारता है तो गलत करता है। मकतूल चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो या ईसाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं यहाँ किसी की तरफदारी या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जनरल बात है जो भी किसी को मारे वो गुनाह अजीम कर रहा है। उस लड़के ने सवाल किया कि हमें शिया सुन्नी बोहरी वगैरह पर अमल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुरान पाक में कोई शिया सुन्नी नहीं। उस लड़के ने कहा कि दुनिया में बहुत से शिया सुन्नी मौजूद हैं, उनकी मस्जिदें अलग हैं। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि ये बात आप उनको बताएं कि फिरका बनाना गलत है। कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि शिया सुन्नी का लफ्ज, इससे पूछे कि बोहरी का लफ्ज कहाँ लिखा है। आप भी नाज़रीन ये गुफ्तगू सुनिए। You should not believe in this Shia, Sunnis or Bori Muslims, sir. I am not saying that. Quran, there is no Shia, Sunni in the Quran. Means so, there is no Bori in the Quran. Are there are so many masjids. That's what you tell them. You ask them, where is the word Shia mentioned in the Quran? आज के मेरे बोरी मेंशन इन द कुरान। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़के से कहा कि ये जो भी लोग हैं जो शिया सुन्नी बोहरी या किसी भी दूसरे मुसलमान को गलत कहते हैं वो खुद गलत हैं। आप इन लोगों से पूछें कि क्या आप अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। उनको बताएं कि अल्लाह ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा कि जो भी फिरके बनाए आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं, जो भी मजहब को तकसीम करता है वो गलत कर रहा है। अगर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं आपको इसका फिरका नहीं देखना, उसके आमाल देखने हैं। फिरके आपको जन्नत में नहीं लेकर जाएंगे, जन्नत में सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल लेकर जाएगा। डॉक्टर साहब ने उस लड़के से सवाल किया कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शिया सुन्नी में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप शिया बने या सुन्नी? उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मगर मेरे जहन में सवाल था कि इस्लाम में इतने ज्यादा फिरके क्यों हैं। डॉक्टर साहब उससे मुखातिब होकर बोले कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में फिरकों का तसव्वुर ही नहीं है। जिसने भी आपको ये बात बताई है उसने आपको कुरान पाक की सही तारीफ नहीं बताई। उस लड़के ने कहा कि मुझे ये बात एक सुन्नी लड़के ने बताई थी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि वो चाहे सुन्नी हो, शिया हो या कोई भी हो, उससे कहें कि कुरान कहता है कि फिरके न बनाओ। वो सुन्नी मुसलमान कुरान पर अमल नहीं कर रहा जो आपसे फिरकों की बात कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने हाथ में कॉपी पकड़ी है, इस पर लिख ले सूरह इनाम आयत नंबर 159। ये जाकर उस लड़के को दिखाएं और उससे पूछे कि कहां कुरान में लिखा है कि शिया सही है या सुन्नी। सही रास्ता ये है कि आप कुरान पर अमल करें। डॉक्टर साहब ने उस लड़के से फिर पूछा, आप मुझे बताएं कि क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? उस लड़के ने कहा कि मैं इस्लाम पर यकीन रखता हूं और बतौर मजहब उसकी इज्जत करता हूं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है? उस लड़के ने जवाब दिया, मुझे खुदा के वजूद पर यकीन है। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आपको लगता है कि बुत परस्ती हराम है? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। फिर पूछा, क्या आप यकीन करते हैं कि बुत परस्ती जायज है? उस लड़के ने कहा कि हाँ ये ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो आपके वेदों के खिलाफ है। आपके वेदा कहते हैं कि किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए सिवाय एक खुदा के। इसमें लिखा है इस खुदा की कोई तस्वीर, पेंटिंग, बुत नहीं है। जब आपके वेद कहते हैं कि खुदा की कोई तस्वीर या बुत नहीं, फिर भी आप इस पर अमल करते हैं? शिया सुन्नी को छोड़ें, मुझे बताएं क्या आप वेदों पर अमल कर रहे हैं? इफ यू आर ब्रॉट अप इन दैट रिलीजन, आई एम आस्किंग यू, इज इट योर ड्यूटी टू स्टडी? That's your why Veda, I'm researching on this subject. Therefore, I'm asking you, brother, that in your scripture Veda, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Sveta Svetar Upanishad, chapter number 4, verse number 19, it says, Na tasya pratima asti. It's a Sanskrit quotation, which means Almighty God has got no pratima, no image, no photograph, no painting, no sculpture, no idol, no statue. If your scripture says Almighty God has got no idol, then doing idol worship is right or wrong? नाज़रीन, डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मैं इस मजहब में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, बेशक आप इस मजहब में पैदा हो गए, मगर क्या मजहब के बारे में जानना आपका फर्ज नहीं? उस लड़के ने कहा कि जी, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले, अगर आपके वेदा कहते हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए तो क्या ये सही है? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं अभी इसका जवाब देने के लिए इतना बड़ा नहीं हुआ, मेरे आबाओ अजदाद ये करते रहे, इसलिए मैं भी बुत परस्ती कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने इंतजामिया से कहा, क्या आप इस लड़के को मेरी हिंदू मत और इस्लाम में मुमासलत वाली
DVD दें। उस लड़के से कहा कि आप घर जाकर ये लेक्चर देखिएगा और फिर आपके जहन में सवाल हो तो मुझे बताएं, आपके शक दूर हो जाएं तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस लड़के से आखिरी बात करते हुए कहा कि कुरान सूरह निसा में कहता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो और उन लोगों की जो तुम में से हाकिम हो, फिर अगर आपस में किसी चीज में झगड़ा करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लाओ अगर तुम अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन रखते हो। यही बात अच्छी है और इंजाम के लिहाज से बहुत बेहतर है। अगर कोई शख्स आपको कोई बात बताए तो आप उसको कुरान हदीस से चेक करें। सिर्फ इसलिए कि कोई आलिम आपको कोई बात बताए आपको उसको मानना लाजम नहीं है। अगर कोई आलिम कुछ भी कहता है जो कुरान हदीस से साबित हो तो उसको मान लें। अगर ये कुरान हदीस से दूर हो तो आप भी उससे दूर हो जाएं। इसलिए जब भी मैं कुछ कहता हूँ कि कुरान और हदीस से रेफरेंस देता हूँ, अगर मैं खुद से कोई बात करूँ तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन अगर मैं कुरान और हदीस की कोई बात बताऊँ तो इस बात का वजन है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना